नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। हम भी अच्छे हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है बाहर, और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की खिचौड़ी। ये पहाड़ी डिश है, और हम बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं आलू की खिचौड़ी। और इसको हम पूरा सिलबट्टे में कूट कूट के फिर तैयार करेंगे। इसमें सारी चीज़ें मिला के फिर आपको दिखाते हैं हमने कैसे बनाई आलू की खिचौड़ी। और बहुत स्वादिष्ट होती है, और बाहर बारिश हो रही हो तो मज़ा ही कुछ हो रहा है आलू की खिचौड़ी का। और आज हस्बैंड जी भी घर पे ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। गली में पानी भर चुका है इस समय, और आपको दिखाती हूँ मैं कैसे पानी भरा हुआ है बाहर में। और देखो दोस्तों कैसे पानी भरा हुआ है बाहर, पूरा यहाँ पे पानी भर चुका। आगे ये हाईवे है रोड, बाहर जहाँ पे बच्चे छाता लेके खड़े हुए हैं उसके आगे वहाँ पे हाईवे है, दिल्ली टू देहरादून रोड है वो। और देखो हमारी गली ये है, और ये पूरा भर चुका है लपालप। और मैंने सोचा बारिश है तो आज खिचौड़ी का मज़ा लेते हैं। और देखो यहाँ अंदर तक पूरा बारिश, झमाझम बारिश पड़ रही है इसमें। और यहाँ पूरा भर चुका है, क्योंकि ये 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। वो तो कल दिन में थोड़ी आराम रहा बारिश का, और रात में भी नहीं थी, तो इतना पानी जो भरा था कल वो निखर गया है। और फिर आज सुबह से बहुत ताबड़तोड़ की बारिश हो रही है, और फिर दोबारा से भर चुका है यहाँ पे पानी। मैं स्टार्ट करती हूँ मूली की खिचौड़ी बनाने का। ये सिलबट्टा है, सिलबट्टा में खींचूँगी। अब मैं ये छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ आलू का। इसको छोटे छोटे टुकड़े करके, और फिर हम सिलबट्टा में इसको खूब कूटेंगे। और मैंने सिलबट्टे के नीचे कपड़ा रख दिया है ये, क्योंकि ये डगमग डगमग नहीं करेगा, और मैं आराम से इसको खींच पाऊंगी। और ये ऐसे इसको पूरी तरह से हम कूटते हैं। आज आलू आलू की बनाएंगे, वैसे मिक्स भी बनाते हैं हम, मूली नहीं है इस समय। और मूली की आलू और मूली की खिचौड़ी भी बहुत सुंदर होती है। कूट दिया मैंने आलू को अच्छी तरह से, उसको मैं यहाँ पे निकाल दूंगी। तो मैंने इसमें मिर्ची डाल दिए, एक मिर्ची डाली है, तेज है ये मिर्ची। और 4-5 कलियाँ लहसुन के डाल दिए हैं, और टमाटर डाल रही हूँ मैं। टमाटर तो आजकल बहुत महंगा हो रखा है, और 120 रुपये किलो चल रहा है इस समय। तो मैं ये करती हूँ, आधा डाल देती हूँ, आधा मैं शाम के लिए रख देती हूँ आधा टमाटर को, क्योंकि जुगाड़ चल रहा है आजकल। बाहर बारिश भी आ रही, सब्जियाँ आ भी नहीं रही हैं सच बताऊँ तो, क्योंकि गली में पानी भर रखा है कोई रेडी। तो मैं आधा टमाटर डाल रही हूँ इसमें दोस्तों, और आधा मैंने शाम के लिए रख दिया है। और देखते हैं कैसे बनती है खिचौड़ी। मैं इनको बारीक करके पीस लेती हूँ। मैंने ये बारीक करके पीस लिया है, और मैं इसी के साथ इसको मिक्स करूँगी। और मैं इसमें थोड़ा जीरा भी डालूँगी, जीरा पीसती हूँ मैं। ये मैंने पूरी खिचौड़ी का तैयारी कर ली है, और अब मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे साथ बने रहे पूरी वीडियो में। तो दोस्तों ये है गांव का जख्या, और ये हमारे उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है गढ़वाल में, इसलिए इसको खिचौड़ी में डालो तो खिचौड़ी में 4 चांद लग जाते हैं। तो मैंने उसमें ऐड कर लिया है जख्या। बाकी तो नॉर्मल सब्जी की तरह ये डालते हैं सब्जी। तो मैंने मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया है, ये धनिया पाउडर डाल दिया है, और ये हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें। और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें अब कलर आ गया है। तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी,
ये मेरी छोटी सी बाल्टी। तो 10 मिनट से खिचौड़ी बन रही है हमारी और ये तैयार हो चुकी है। अब और अच्छा कलर भी आ गया है अब इसमें। और अब हम आपको दिखाते हैं स्वाद कैसा आ रहा है इसका। दोस्तों खिचौड़ी तैयार हो चुकी है। बहुत सुंदर हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।